आज हमारी तरफ से डायमेंशनल एनालिसिस की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड हैं तो आप हमें बताइएगा। मेरे नोट्स से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, देख लेते हैं। कल हम एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हम कह रहे थे द डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, द डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर की डायमेंशन क्या होगी, लेंस की क्षमता की विमा क्या होगी। ठीक है, अब इसको जरा सा थोड़ा समझ लीजिए। लेंस की क्षमता को एक्चुअली आप डिफाइन करते हो पी इक्वल टू 1/f और इसे आप मापते हो मीटर में, लेकिन क्या कभी इस लेंस की क्षमता का मात्रक आपने मीटर इनवर्स लिखा? नहीं लिखा। अगर इस लेंस की क्षमता का मात्रक आपने मीटर इनवर्स नहीं लिखा तो फिर इसकी विमा L-1 क्यों हो सकती है? इसकी क्षमता को तो आप डायोप्टर कहते हैं। बहुत सारे लोग फिजिक्स जानते होंगे, अगर लेंस की क्षमता को आप 1/f से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर इसका मात्रक मीटर इनवर्स या इसका डायमेंशन एल इनवर्स हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर इसका मात्रक मीटर इनवर्स होना चाहिए, नहीं होता है, डायोप्टर होता है। यदि फोकस दूरी को मीटर में मापा गया हो तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यह आप पढ़ते आए हैं। बात यह है कि ये जो लेंस की क्षमता है वो एक्चुअली एक डाइवर्जन को शो करता है। कौन सा लेंस कितना ज़्यादा लाइट रे को डेविएट करता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा है, चाहे वो कन्वर्जिंग की हो चाहे डाइवर्जिंग की हो। तो इसमें दो मत आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग दो मत आएंगे। बुक इसका डायमेंशनल फार्मूला L-1 भी सही करती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह एक रेशियो है और रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि आप इसको L-1 रिप्रेजेंट करते हो कि डायमेंशन लेस। बेहतर होगा कि आप L-1 करें, लेकिन मैंने एक आपके सामने प्रश्न चिन्ह लगाया कि लेंस की क्षमता का मीटर इनवर्स से कोई रिलेशन है तो, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिखता है। जब आप क्षमता को डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ क्षमता रेशियो में आती है, फिर उसको निकाल के केवल इतना लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर उस रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्षमता डायमेंशन लेस है, अगर रेशियो के अकॉर्डिंग ना देख करके सिर्फ इस फार्मूले से देखेंगे तो क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स होगा। ठीक, अगर मीटर इनवर्स होगा तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल इनवर्स होगा, याद रखिएगा ये। दूसरी बात, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E by B। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे या मैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उस समय ये फार्मूला मिलेगा E/B। E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो अगर फ्री स्पेस में हो, स्पेस में हो, मतलब हमारा मतलब ये है कि अगर आप निर्वात में हो, फ्री स्पेस में हो, तो ये प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। अगर किसी मीडियम में हो तो ये चाल बदलती रहेगी कुछ C/N करके, लेकिन ये तो पक्का है ना कि ये जो रेशियो है ये स्पीड को शो कर रहा है। तो अगर ये रेशियो स्पीड को शो कर रहा है तो परमानेंट इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो LT-1 बनेगा, ये हमें याद रखना है। उसका जो परमानेंट डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो LT-1 बनेगा। ठीक, ये बात हो गई। एक और क्वेश्चन है,
एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई ए प्लस बी, और हमारे पास चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक्स ए की विमा समान है, एक्स ए की विमा समान है। ऑप्शन बी है ए बी की विमा बराबर नहीं है, ए बी की विमा बराबर नहीं है। ऑप्शन सी है एक्स विमाहीन है, और ऑप्शन फोर है यानी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बढ़िया सवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो YouTube पे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, ये वीडियोस वो वीडियोस हैं जो हम अपनी तरफ से इन्हें पब्लिक कर रहे हैं। अगर आप पूरी कंप्लीट क्लास लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और आपको जो सूचनाएं वहाँ से मिलें या जो शुल्क बताया जाए उससे सबमिट करके आप कंप्लीट क्लास देख सकते हैं पूरी साइंस की, वो भी सभी सेलेक्टेड टीचर्स के साथ में। चूँकि कल से मोशन चलेगी और मोशन के हो सकता है कुछ टॉपिक्स लास्ट में, बीच में, स्टार्टिंग में तो नहीं, बीच में और लास्ट के कुछ टॉपिक्स हो सकता है इसमें फ्री आ जाएं, बाकी मोस्टली क्लासेस पेड हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पेड क्लास में पूरा सिलेबस वन टू ऑल सिलेक्टेड टीचर्स के माध्यम से कम्प्लीटली ख़त्म करें तो आप कोचिंग के नंबर्स पे कॉल करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। विज्ञापन कब आएगा ये निश्चित है, ज़रूर आएगा, बहुत शीघ्र भी आएगा। और मेरा मानना यह है कि चाहे आपकी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, किसी एक विषय में अगर आपकी कमजोरी है तो लगभग 8 महीने का टाइम वो लेती है अच्छी तैयारी में, 6 महीने का टाइम लेती है अच्छी तैयारी में। किसी भी शॉर्टकट से जाने पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग कट से पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा चयन शॉर्टकट से हो जाएगा। तो आप चाहें तो आप पूरा का पूरा एडमिशन परचेज कर सकते हैं क्लास से। इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई ए प्लस बी। ओके, दो बातें हमें समझ आती हैं। एक बात तो ये है कि ये डायमेंशन लेस है पूरा, ए प्लस बी डायमेंशनली अगर देखें तो ए प्लस बी बचेगा, नीचे भी ए प्लस बी बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरे टर्म में जब आप सॉल्व करेंगे तो नो डायमेंशन आएगा, यस। इसका मतलब अरे इसका मतलब ये हुआ x इज डायमेंशनलेस। और डायरेक्ट हमारे पास कह रहा है x इज डायमेंशनलेस, तो हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। a b की विमा के बराबर नहीं है, गलत है, क्योंकि दो समान विमाओं की राशियां ही सदैव जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। नीचे a प्लस बी साथ आया है, ऊपर a प्लस बी साथ आया है, इसका मतलब जो a की विमा होगी वही b की विमा होगी, तो यह विकल्प भी गलत हो जाता है। हालांकि मुझे सही विकल्प मिल चुका है, एक्स ए की विमा समान है कभी नहीं, एक्स की तो कोई विमा ही नहीं है, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक इरर का क्वेश्चन है हमारे नोट से, लिखा हुआ है अ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब बाई सी अंडर रूट डी
एंड द पॉसिबल मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर कंसिक्वेंटली परसेंटेज एरर्स डेल्टा ए परसेंटेज डेल्टा बी परसेंटेज डेल्टा सी परसेंटेज एंड डेल्टा डी परसेंटेज आर परसेंटेज का मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू है. इट इज परहैप्स 2%, इट इज 1%, इट इज 3% एंड इट इज 4%. ए टू बी वन सी थ्री डी फोर. यस. सो व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स. तो एक्स के मेजरमेंट में संभावित अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी. संभावित त्रुटि निकालने के लिए हम सब लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि इतना तो हम सब लोगों को आता है और नहीं आता है तो इसकी क्लास ले लेंगे. थ्री और परसेंटेज एरर ऑफ ए मल्टीपल में 3 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस सी 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 1/2 × 4. ये 6 + 3 + 3 + 2 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14%. कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ. आप समझ लीजिए जब आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जितने भी सिंबल हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे और जितनी पावर्स हैं वो पावर्स उस क्वांटिटी की गुणा में आ जाएंगी, उस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी. जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 मैक्सिमम इक्वल टू ये पावर है, पावर ए के मल्टीपल में आ जाएगी 3, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इसके बीच में गुणा का निशान है प्लस में चेंज हो जाएगा 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 सी अपॉन में है यह भी प्लस में बदल जाएगा. पावर कोई सी में है नहीं, सिंगल पावर है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस ये जो स्क्वायर रूट डी लिखा है इसमें पावर 1/2 है सो इट विल बी 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे. इसकी ये इतने का वैल्यू हमारे पास दिया है, इतने का वैल्यू हमारे पास दिया है, इतने का वैल्यू दिया है, इतने का वैल्यू दिया है, 2, 1, 3, 4 सब रख दीजिए वैल्यू आ जाएगी, वही हमने सॉल्व किया है. ठीक, चलिए आगे देखेंगे. अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव. सिंपल है, तरंग की तीव्रता का मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर है या होता है तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा. तो ये है आपका वाट पर मीटर स्क्वायर. वाट क्या होता है, W/T इंटू मीटर स्क्वायर. इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML²T-2 बाई टाइम इंटू L². वाट पर मीटर स्क्वायर
तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू जूल प्रति सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा एम टी माइनस थ्री। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एम एल नॉट टी माइनस थ्री। क्या किया मैंने, इसका जो मात्रक है वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, वाट को हम जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड का मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम हमने लिख दिया, इंटू मीटर स्क्वायर जो ऑलरेडी था, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम का टी हो जाएगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा, माइनस टू पावर है, एक पावर और माइनस में ऐड हो जाएगी तो माइनस थ्री हो जाएगी, दैट विल बी एम टी माइनस थ्री। ओके आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इंटीग्रल डीवी अपॉन, कोई एक्सप्रेशन है इंटीग्रल डीवी अपॉन टू ए वी माइनस वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट है, और ये इक्वल है ए की पावर एन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कोई अननोन क्वांटिटी अननोन है, ए भी कोई अननोन क्वांटिटी है, कुछ मालूम नहीं है, ठीक, ए भी अननोन क्वांटिटी है बता चुके हैं, और वी भी कोई अननोन क्वांटिटी है, आप कुछ भी मान सकते हैं उसे, स्पीड मानना चाहें स्पीड मान लें, ना मानना चाहें ना माने, यहाँ पे कोई इस बात से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ये स्पीड है, ए एक्सीलरेशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इससे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। डायमेंशनली हमें ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कैलकुलेट डायमेंशनली, कैलकुलेट, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो एग्जाम में हम आपसे बता भी रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि अगर डायमेंशन का मामला सेट हो रहा है तो डायमेंशन ही सेट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2AV में डायमेंशनली अगर हम सॉल्व करें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये जो AV और V स्क्वायर है ये दोनों माइनस के साथ में है, इसका मतलब जो डायमेंशनल क्वांटिटी V स्क्वायर की होगी वही डायमेंशनल क्वांटिटी AV की होगी, अब ये V है ही, अगर ये V है तो निश्चित रूप से ये ए भी क्या होगा, वी ही होगा, क्योंकि इसको फाइनली डायमेंशनली वी स्क्वायर होना पड़ेगा, डायमेंशनली इसको क्या होना पड़ेगा, वी स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि समान विमाओं की राशियां ही सदैव जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, तो इसको वी स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक। इतने फंडे को देखो पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है, कोई मतलब ही नहीं है, अच्छी बात है। अब बचा ए की पावर एन, और इधर अगर हम यूनिट्स में निकालेंगे, मान लीजिए ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, तो फाइनली यहाँ केवल वी स्क्वायर बचेगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, डायमेंशनली मैं डायमेंशनली क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, तो इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, एक बार ये आपको लिखना पड़ेगा, चाहे इसका मान लो कि इसकी विमा एल स्क्वायर है तो इधर वाले की भी विमा एल स्क्वायर ही होगी, तो आप यहाँ शॉर्टकट में मान लो इसकी विमा एक्स है तो इसकी पूरे की विमा एक्स होगी, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया जो भी है वो, ठीक है, बराबर ए की पावर एन। अब देखिए यहाँ से विमा स्क्वायर रूट में है, और जो वी की विमा होगी वही डी वी की विमा होगी, मान लीजिए एल मीटर है कोई और हम सूक्ष्म लंबाई पढ़ते हैं तो डी एल मीटर कहते हैं, तो ये भी तो लंबाई ही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी वी है डी वी का भी डायमेंशनल फार्मूला एक्स ही होगा, और नीचे का अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो एक्स से एक्स, एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, एक्स बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वन, और वन डायमेंशनलेस है, वन क्या है डायमेंशनलेस है,
अगर वन डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब इस वैल्यू को भी वन के बराबर होना पड़ेगा, अगर ये वन के बराबर है तो इसको ए की पावर जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। समझिए फिर, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन अंडर रूट टू ए वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर एन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए डायमेंशनलेस है, ए की पावर एन बचता है, इधर समान विमाओं की राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, तो आप किसी एक ही क्वांटिटी को उठाएंगे, चाहे इधर वाले को उठा लो चाहे इधर वालों को, क्योंकि यहाँ पे l प्लस एल का कोई मतलब 2l तो है नहीं, तो डायमेंशन किसी एक के ले लो। मान लो इसकी विमा v की विमा x है तो v स्क्वायर की x स्क्वायर होगी, dv की खाली x होगी, तो x बटा अंडर रूट x स्क्वायर बाहर आएगा, x बचेगा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, उधर 1 लाने के लिए इनको 0 होना पड़ेगा, सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n विल बी 0। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है अपने पास, अ क्वांटिटी x इज रिप्रेजेंटेड बाई, अ क्वांटिटी x इज रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l डेल्टा v बाई डेल्टा t, देन व्हाट इज द x, या रिकॉग्नाइज द x, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x, व्हाट इज द x। देखिए x को पहचानिए, या x क्या है, या x का विमा सूत्र क्या होगा, कोई एक बात पता चल जाए सब पता चल जाएगा, आप सब जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एल क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। और लेंथ के बारे में, लेंथ ये एल जो है वो लेंथ, ये जो एल है वो लेंथ है, एल इज लेंथ, राइट, लेंथ है। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे आप विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा टी आपका टाइम है, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसमें L बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप इंडक्शन कोफिशियंट में चले जाते, स्वप्रेरण गुणांक है ना, सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट L, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अभी उसकी चर्चा करूँगा। तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ L लेंथ है, और X को हमें रिकॉग्नाइज करना था। PGT फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, एग्जैक्टली ये था, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, आप जनरली क्या लगाएंगे, आप इसका विमा सूत्र रखेंगे, इसका विमा सूत्र रखेंगे, इसका विमा सूत्र रखेंगे, इसका विमा सूत्र रखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एप्सिलॉन जीरो और ऊष्माचालकता गुणांक, इनकी विमाएँ हम लोगों को मोस्टली याद नहीं होती, कोई मास्टर बने सब ठीक है, लेकिन कोई इतना नहीं रट के रखता है कि नहीं इसका डायमेंशनल फार्मूला ही होगा, लेकिन मात्रक हमें कुछ ज़्यादा ही स्तर पे याद होते हैं। तो अगर हम इसको मात्रकों से भी हल करते चले जाएं तो थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। देखिए कैसे, x इक्वल टू इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, l का क्या होगा मीटर, डेल्टा भी क्या है w अपॉन q, W क्या होता है जूल, जूल प्रति क्या कूलाम इनटू सेकंड, कूलाम से ये कूलाम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर बचा, न्यूटन मीटर क्या है W बराबर FD, ध्यान करिए आप, F क्या है न्यूटन, D क्या है मीटर, इसी को तो हम जूल कहते हैं, यानी जो जूल है वही न्यूटन मीटर है। हमारे पास बचता है कूलाम बटा सेकंड, कूलाम क्या है क्यू और सेकंड क्या है टाइम, दिस इज आई, यस आर नो। तो ये एक्स क्या है, एक्स इलेक्ट्रिक करंट है, एक्स क्या है मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट है,
ऐसा प्रश्न हमारे पास आता है। एक क्वेश्चन बहुत याद रखना आपको, एल बाई आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, चर्चित प्रश्न है। एल बाई आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल है स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट। जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास में तो बताएंगे, सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट या इंडक्शन कोफिशियंट का एक फार्मूला मेरे साथ याद रखिए, दैट इज ओम सेकेंड, दैट इज ओम सेकेंड, और आर का ओम होता है कैंसिल, क्या आया टाइम। सो एल बाई आर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द टाइम, क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मेरे पूरे क्लासेस लेने के लिए आप कोचिंग के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मेरी तरफ से डायमेंशनल फार्मूले का चैप डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म हुआ, कल हम मोशन स्टार्ट करेंगे। जिन भी नए लोगों को अगर क्लास लेनी है तो वो क्लास कोचिंग के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।